सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. नॉट रियली. द राइट वे टू सॉल्व द केस स्टडी इज दैट CFA लेवल 2 एग्जाम स्ट्रक्चर. एक तरीके से देखो तो लेवल 1 का 100% रेप्लिका है. वहीं समवन एल्स विल से दैट बॉस एवरीथिंग इज चेंज्ड. व्हाट इज माय ओपिनियन, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें सेम है. आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं. सेम 10 सब्जेक्ट्स हैं जो लेवल 1 में हुआ करते थे. सेम नो नेगेटिव्स. और तो और मोटा मोटा पास परसेंटेज भी सेम है. लेवल 1 भी ऑलमोस्ट 40-45% क्लियर कर लेते थे. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-45% का रिजल्ट आने वाला है. सर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि लेवल 1 में इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे. मतलब क्वेश्चन आए, 3 ऑप्शंस आए, आपने आंसर दिया खटाक. अब क्या डिफरेंट है? अब एक केस स्टडी आएगी. CFA इंस्टीट्यूट इसे कहता है विनिट. एक केस स्टडी होगी जिसके नीचे 4 क्वेश्चंस दिए होंगे. तो यू हैव टू स्टडी दिस केस स्टडी एंड देन आंसर दीज 4 क्वेश्चंस. सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. नॉट रियली. द राइट वे टू सॉल्व द केस स्टडी इज दैट आप पहले केस स्टडी के फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट कपल ऑफ पैराग्राफ्स को पढ़ें एंड देन रीड क्वेश्चन नंबर 1. रीड पैराग्राफ 2 क्वेश्चन 2, पैराग्राफ 3 क्वेश्चन 3, पैराग्राफ 4 क्वेश्चन 4. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप इंडिविजुअली ना केस स्टडी को पढ़ें ना क्वेश्चंस को पढ़ें, दोनों को साइमल्टेनियसली डील करते रहें. मोर और लेस हर चीज़ वैसे ही फील होनी चाहिए जैसे लेवल 1 में इंडिविजुअल क्वेश्चंस में फील हो रही थी. तो इन माय ओपिनियन नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सर फिर डिफरेंट क्या होने वाला है? इन डेप्थ होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस. लेवल 1 का करिकुलम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा शैलो, बहुत ईजी पूछे जाते हैं. लेवल 2 में ऐसा नहीं है. लेवल 2 में क्वेश्चंस दबा के इन डेप्थ पूछे जाएंगे. बाकी सब कुछ सेम होने वाला है. 88 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. फर्स्ट हाफ में 44 क्वेश्चन, सेकंड हाफ में 44 क्वेश्चंस. फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ के दोनों में जो 44 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक्चुअली 11 केस स्टडीज होंगी. 11 केस स्टडीज में 4 क्वेश्चंस ईच होंगे. लेवल 1 में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1.5 मिनट मिल रहे थे, यहाँ पे 3 मिनट मिलने वाले हैं. डिफिकल्टी ज़्यादा है इसलिए समय ज़्यादा दिया जा रहा है. अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, सी बुक को बहुत अच्छे से रेफर करें, देयर इज नो रीजन दैट यू विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम. मोस्ट पीपल टेंड टू से दैट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ CFA चार्टर होल्डर अटेनिंग. मुझे लगता है दे आर पार्टली करेक्ट. हर लेवल अपने आप में दूसरी दूसरी समस्याएं लेके आता है. अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड. थैंक्स अ लॉट. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.